बॉलीवुड की एक्ट्रेस करीना कपूर के मुतलक नया इंकशाफ हुआ है कि वो हिंदू मजहब की पैरोकार नहीं हैं, वो क्रिश्चियनिटी की पैरोकार हैं। हाल ही में करीना कपूर और सैफ अली खान के बेटों तैमूर और जहांगीर के साबका आया ललिता दे सिल्वा ने भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें ललिता ने करीना के कई घरेलू राज से पर्दा उठाया। ललिता ने कहा कि करीना हिंदू मजहब की बजाय मसीही मजहब को मानती हैं, क्योंकि करीना कपूर की माँ भी क्रिश्चियन है। ताहम वो तमाम मजहब की इज्जत करती हैं, क्योंकि वो मजहब की अहमियत जानती हैं कि बच्चों की सोच को मुस्बत रखने के लिए मजहब से वाबस्तगी बहुत ज़रूरी है। तैमूर अली खान की आया का कहना था कि जब मैं उनके बेटों की देखभाल के फ़र्ज़ अंजाम दे रही थी तो अक्सर मुख्तलिफ मजहब के कलाम लगा देती थी, जिसमें से मसीही मजहब भी शामिल है, लेकिन अदाकारा ने इस पर कभी कोई एतराज़ नहीं किया। बच्चों से मुतलक सवाल के जवाब में ललिता ने कहा कि बड़ा बेटा तैमूर अपने वालद के ज़्यादा नज़दीक है, जबकि जहांगीर तैमूर से ज्यादा शरारती है और करीना और सैफ अली खान दोनों का लाडला है। वाजह रहे कि अदाकारा करीना कपूर ने 16 अक्टूबर 2012 में पटोरी खानदान के नवाब अदाकार सैफ अली खान से शादी की थी। इनके दो बेटे तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान हैं। सैफ अली खान की ये दूसरी शादी है। इनकी पहली शादी भी भारतीय अदाकारा अमृता सिंह से हुई थी, जिससे उनके दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सकें।